चलेगा? लिंक रोड? लिंक रोड पे कहाँ पे? वो बांकुर नगर सिग्नल के पास, कांचा बार। जी बैठिए। मैडम। हाँ क्या बोल? पेट्रोल भरवाना है। मेरे को देर हो रही है। 2 मिनट तो लगेंगे मैडम, झट से हो जाएगा। जल्दी कर। ए, ए पेट्रोल पंप तो जा रहा है, तेल नहीं भरा है तूने? वो मैडम मेरा सीएनजी वाला गाड़ी है, अगले वाले पेट्रोल पंप पे भर लेंगे। मुझे देर हो रही है, जल्दी कर। एकदम फटाफट हो जाएगा मैडम। ए? ये किधर अंधेरे में बोल रहा है? ये किधर लेके जा रहे हैं तू गाड़ियाँ? इधर तो कोई पेट्रोल पंप नहीं है ना? मैडम 2 मिनट, जरा फ्रेश होना है। मेरे को देर हो रही है, तू इधर ही रिक्शा रोक। कसम से मैडम 2 मिनट तो लगेंगे। मैं दूसरे रिक्शा लेगी, तू इधर ही रिक्शा रोक, मेरे को नहीं जाना तेरे साथ। रोक रिक्शा तू। बहुत लाली लगा रही थी ना, मिर्ची पाउडर डाले साली के मुंह पर। साली को बात अब देखते हैं कौन पहचानता इस साली कुतिया को। साला अपने नाम की कभी पावती नहीं फटेगी। मैडम क्या हुआ, क्या हुआ? और ये खून? अपने घर का नंबर बताइए। बेहोश होने से पहले बेबी ने बताया था कि वो ऑटो करके काम पर जा रही थी और ऑटो वाले ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसका ये हाल कर दिया। देखिए माँ जी रोइए मत, आपकी बेटी ने आपको बताया कि वो रिक्शा वाले या उसके दो साथियों को पहचानती थी? नहीं साहब, इससे पहले कि वो कुछ बताती वो बेहोश हो गई। एक्सक्यूज मी, जिंदा तो है पर वेंटिलेटर्स पर है। डॉक्टर साहब बचने के चांसेस कितने? देखिए ऐसी बातें हम डॉक्टर्स नहीं कह सकते। देखिए आपने बताया था कि आपकी बेटी सिंगर है। जी साहब, बहुत अच्छा गाती है। कहाँ गाती है? वो बार में, कांचा बार, गोरेगांव। कांचा बार। बाबा की कसम साहब, नो आइडिया। नीति का किसी के साथ चक्कर था, वो भी किसी ऑटो वाले के साथ? नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे बारे में जो लड़की है उनको लाने का और छोड़ने का जिम्मा किसका है? साहब हम तो पगार के साथ साथ कुछ अलाउंस देते हैं साहब। उन लड़कियों ने आपस में 6 ऑटो वालों को फिक्स कर रखा था साहब, वही उसे उठाता था और छोड़ता था साहब। अब मुझे क्या पता साहब। साहब नीति मैडम का कुछ अलग हिसाब था, वो आते तो अपने रिक्शे में थी,
लेकिन वापस मेरे रिक्शे में बैठ कर जाती थी। एक साल से यही सिलसिला चल रहा था साहब। कोई आइडिया है वो रिक्शा वाला कौन था? साहब नीति मैडम मालवानी से आती थी, वहीं के किसी रिक्शे वाले को मालूम हो सकता है। इसके अलावा अपने को कुछ ज्यादा मालूम नहीं साहब। तेरे को कुछ आइडिया है? मालवानी एक नंबर में अपने शर्मा जी रहते हैं, वो हमेशा नीति, मीनाक्षी, शालिनी और भी कई लोगों को वो अपने रिक्शे में लेकर जाते थे। हो सकता है साहब उनसे कुछ पता चले। शर्मा किधर मिलेगा? शर्मा? हाँ साहब। तेरा नाम शर्मा है? हाँ साहब। इसको जानता है? हाँ साहब, कांछापार में सिंगर है और मालवाणी 4 नंबर में रहती है। अभी हॉस्पिटल में दम तोड़ रही है वो। हे भोलेनाथ, क्या कह रहे हैं आप? क्या एक्सीडेंट हो गया? नहीं, मर्डर। किसी ने जान से मारने की कोशिश की है उसे। किसने और क्यों किया ऐसा? तुम्हारे ही बिरादरी का था, रिक्शा वाला, तुम्हारे ही एरिया का होगा। ये काम जरूर उस बाहर वाले का है। कौन बाहर वाला? अरे साहब, 1 महीने से आता जाता है, कोने में खड़ा रहता है, हम लोगों से बातचीत भी नहीं करता है। इससे ज्यादा साहब नहीं मालूम। इसके अलावा किसी के साथ उसकी जान पहचान है? जान पहचान की बात तो नहीं मालूम, लेकिन एक बार जान लेने तक की बात आ गई थी। मतलब? हमारे एक ड्राइवर भाई है पठान, पठान और उस लड़के के बीच में एक बार हाथापाई हुई थी। तुम पठान हो? साहब नाम पठान है। मैं सुना है पिछले हफ्ते एक रिक्शा वाले के साथ तेरा पंगा हुआ था। अरे साहब, बहुत बरसात हरामी लड़का है वो, जाधव नाम है उसका। पूरा नाम बोल। नहीं साहब, पूरा नाम नहीं पता, लेकिन वो मालवनी 4 नंबर वाली लड़की पे ना उसी ने वार किया होगा साहब। उस लड़की को लेकर तो हम दोनों में झगड़ा हुआ था। ए जाधव, यहाँ गाड़ी मत लगा, यहाँ मेरे कस्टमर आते हैं। तेरे कस्टमर? तेरे रिक्शा क्या क्या नंबर चिपका कर आते हैं यहाँ पे? नहीं लाऊंगा। क्या करेगा? ए देख, फालतू का ड्रामा मत कर, समझ गया ना? यहाँ पे बहुत सालों से मैं और 5-6 जन गाड़ी लगा रहे हैं, और आने वाले बहुत साल तक मैं यहाँ से भाड़ा उठाएगा। तुम साले तब तक जिंदा भी नहीं रहोगे। अब तक हट यहाँ से। हवान दिखते ए जादव, वो नहीं, वो मेरा और शर्मा जी का कस्टमर है। ए गाड़ी मत लगा तू। साहब, 1 हफ्ते पहले की बात है ये। उस दिन से ना रोज वो उस लड़की को लेकर जाता था। गाड़ी का नंबर याद है तुझे? कैसे याद नहीं होगा साहब, मेरे नाक के सामने तो गाड़ी लगाता था वो। साहब, ये गाड़ी की सीट पर मिर्ची पड़ रहे हैं। मतलब यही रिक्शा है वो? ये कुल मिला के 6 गाड़ियां मेरी है साहब। ये जाधव चलाता था, लेकिन 2 दिन से वो ड्यूटी पर आया ही नहीं साहब। ये जाधव का पूरा नाम बोल। संजय जाधव साहब। कुछ बोलकर गया था? नहीं साहब, 2 दिन पहले वो रात पाली करके सुबह गाड़ी देकर गया, पर शाम को संजय आया ही नहीं साहब, 2 दिन से नहीं आया। ये संजय रहता कहाँ है? दहसर ईस्ट का छोकरा है साहब, कोई लफड़ा है क्या साहब? चाचा, ये संजय जाधव यहीं रहता है क्या? पता नहीं। किसे पता होगा? मकान मालिक सामने की चाल में रहते हैं, उनसे पता कर दी। जी साहब, 2 दिन से मैं भी उसका राह देख रहा हूँ, हमेशा की तरह इस बार भी भाड़ा लेट। डुप्लीकेट चाबी है खोल की? हाँ है ना सर। तांबे। तांबे, इस लड़की का उस लड़के के साथ जरूर कुछ चक्कर था। सर अगर लेकिन चक्कर होता तो ये लड़की उसके रिक्शा में बैठती है क्यों? लेकिन बैठी ना तांबे, उसके रिक्शा में वो बैठी। यही बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि अगर ये लड़की उस लड़के को जानती नहीं तो उसके रिक्शा में वो बैठी। सर, ये फोटोग्राफ जाधव के गाड़ी के मालिक से मिला। ग्रेट जॉब तांबे। थैंक यू सर। एक काम करना, ये फोटोग्राफ नीति के जितने भी रिश्तेदार और पहचान वाले हैं सबको दिखा देना।
जी साहब। कभी देखा है इसे? नहीं साहब, पहले कभी नहीं देखा। नहीं, मैं इसे नहीं जानती, और पता नहीं इसकी मेरी बच्ची से क्या दुश्मनी है। सलाम साहब, साहब ये जो अपना पंटर है ना संजय, ये दोनों उसके खास दोस्त थे साहब। ये लोग भी दो दिन से घर नहीं पहुंचे साहब, ठीक उसी तरह से जैसे संजय घर नहीं पहुंचा साहब। ठीक है, नाम बोलूंगे। एक का नाम है शिवहरी और एक का नाम है सरफराज। ये दोनों कांदरपाड़ा के माने हुए पंटर हैं साहब। हाँ साहब, दोनों को जानता हूँ, दोनों बदमाश किस्म के हैं। शिवहरी जो है बिहारी है और सरफराज बंगाली है, पर अभी तो दोनों भाग खड़े होंगे और छिपे होंगे अपने अपने गांव में साहब। ठीक है, दोनों की फोटो मिल सकती है या फिर मोबाइल नंबर? साहब मोबाइल नंबर तो नहीं, पर फोटो के लिए कोशिश करूंगा साहब। काम इन दोनों के नाम का वारंट इशू कर दो, बिहार और वेस्ट बंगाल पुलिस की भी मदद ले लेना। इन दोनों को घसीट के लाता हूँ सर। साहब संजय हमारा दोस्त है साहब, साहब उसने जो काम ने वही किया साहब। हमारी उस लड़िया से कोई दुश्मनी नहीं थी साहब, कोई दुश्मनी नहीं थी। संजय क्यों मारना चाहता था उस लड़की को, उसकी क्या दुश्मनी थी उसके साथ? मालूम नहीं साहब। सब सच कह रहे साहब, कुछ नहीं मालूम नहीं साहब, नहीं मालूम साहब, सब नहीं मालूम साहब। बोल। वो मेरी कस्टमर है, वो मेरा और शर्मा जी का कस्टमर है। गोरेगांव लिंक रोड चलोगे क्या? जरूर चलूंगा। आज शाम को उस पर हमला करने गए, तुम दोनों तैयार रहने का, मैं उसको लेकर यहाँ आएगा उल्टू बचा देने का। लेकिन कोई खतरा तो नहीं है? अरे अरे सुन, हम लोग कोई पहचान लिया तो? अबे फट्टू, वो नीति मेरे को नहीं पहचानती तो तुम दोनों को क्या घंटा पहचानेगी? रिक्शा समझाए मुझे। हाँ, वो संजय उस नीति का मर्डर करना चाहता था, उसका फेस कट बदलना चाहता था, और तू ऊपर से कहता है कि वो उसे पहचान नहीं पाती थी। उस लड़की का और संजय का पहले का लफड़े का मुझे कुछ नहीं पता था। आपको तो ये भी नहीं मालूम साहब कि संजय उस लड़की को जानता है या नहीं? संजय ने कहा गोबर खा तो तुम लोग गोबर खाओगे? जान लेने के लिए कहा तो छुरा घोप दिया उसे। पैसा भी तो देता था ना साहब। अच्छा, पैसा देने वाला था वो?
तांबे, हो सकता है ये संजय और नीति का किसी जमाने में अफेयर हुआ हो। सर, लेकिन फिर वो उसे पहचान क्यों नहीं पाई? पॉइंट, या हो सकता है शायद उसने चेहरा बदल लिया हो। हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। तांबे एक काम करो, इस संजय की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी खोद कर निकालो। क्या नीति का कोई बॉयफ्रेंड था? साहब, अपनी बेटी के साथ मैं 2400 घंटे तो नहीं रहती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हूँ। सर, सर नीति का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, वो बहुत ही कट्टू कट थी। भले ही बार में सिंगर थी, लेकिन किसी लफड़े में नहीं थी। अभी आप दोनों कौन हो? साहब, मेरा नाम आकाश है और मेरा नरेंद्र सर। हम लोग दोनों नीति के पड़ोसी हैं और साथ ही साथ उसके मुंह बोले भाई हैं। तो अब तक कहाँ थे? हम लोग गांव गए हुए थे, जैसे ही नीति के बारे में पता चला वहां से सीधे यहाँ पे आए। साहब, नीति हमें हर एक बात बता देती है, हर एक बात। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने हमसे कोई भी बात छुपाई हो। जरा याद करने की कोशिश करो, हो सकता है नीति के साथ किसी ने लफड़ा किया हो या करने की कोशिश कर रहा हो जिसे नीति नापसंद करती है। साहब एक मिनट, नरेन तुझे याद है नीति को छोड़ने के लिए एक ऑटो वाला आता था जिसने उसे प्रपोज भी किया था? अरे वो एक नंबर का फट्टू था, उसके कहां इतनी हिम्मत। एक मिनट, आप दोनों किसकी बात कर रहे हो? सर, एक ऑटो रिक्शे वाला था, नीति के पीछे लगा हुआ था, शादी करना चाहता था सर उससे, लेकिन साहब नीति जरा भी उसको भाव नहीं देने की। हाँ सर, जरा एक तस्वीर देख के देखो, क्या ये वही है? नहीं नहीं, वो तो अलग दिखता था सर। नहीं नहीं साहब, वो तो बहुत मोटा है, एकदम अजीब भद्दा सा लगता था। ये नहीं साहब, ये नहीं हो सकता। वो मोटा कंचा बार के बाहर अपना ऑटो लगाता था। नीति मैडम, नीति मैडम। क्या भाई? कुछ काम था मैडम। बोलना, क्या बात है? वो कुछ बोलना था आपसे। बुरा तो नहीं मानेंगी ना आप? बिना सुने मैं तेरे को कैसे बता सकती अच्छा है कि बुरा? देख मेरे पास टाइम नहीं है, जरा फटाफट बोल। वो प्रीति मैडम, वो कस्टमर लोगों के सामने आप नाश्ते गाते हो ना। तो क्या? तो कुछ नहीं नीति मैडम, मुझे अच्छा नहीं लगता। फेल है क्या? कुछ भांग भांग खाया क्या? नीति मैडम, मैं प्यार करता हूँ आपसे। मेरी अपनी खोली भी है कांदिवली में। मैं बहुत प्यार से रखूंगा आपको, कसम से रानी की तरह रखूंगा मैं आपको। प्यार करना ना तेरे को तो अपने आप को प्यार कर। काले मोटे, अबे कल को तो मर जाएगा। जिससे तेरी शादी होगी ना उसकी जिंदगी बर्बाद है, खत्म है। बड़ा आया कांदिवली ईस्ट वाला। लेकिन वो नहीं माना सर, रोज नीति से वही सवाल पूछता। नीति के दिमाग का दही कर रखा था साहब। फिर एक दिन नीति ने हम दोनों को उसके बारे में बताया। नीति मैडम, कुछ सोचा मेरे बारे में? सोचा? सोची आज मैं तेरे को जवाब दे ही देती है। क्यों बे गंडे, तेरे को लड़की ने ना बोला था ना? ना बोला था ना तेरे को? आप लोग बीच में क्यों आ रहे? मुझे नीति जी से बात करनी है। अरे पागल है ये, एक नंबर का। मैं पागल नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। साले मोटे शराफत से यहाँ से निकलता है या कोई उतारूं तेरी चर्बी? दर्द हो रहा है भाई, छोड़ दे। अबे गेंडे, शक्ल देखा है तूने अपनी? शक्ल सुअर लगता है, सुअर। साले अगर आज के बाद तूने मेरी बहन की तरफ देखा ना, साले तू सीधे पुलिस लॉकअप में होगा। गाड़ी चलाना तो क्या साले, अपने पैरों से चलने लायक भी नहीं रहेगा। हम लोग ऐसे मारा मारी नहीं करते साहब, लेकिन उस दिन जरूरी था कि उसे सबक सिखाया जाए। हमारी पिटाई काम आई,
उस रात के बाद नीति को वो कभी नहीं दिखा, मानो इतना मोटा आदमी हवा हो गया हो। क्या उसका नाम जाधव था, संजय जाधव? नाम वाम तो सर नहीं पता, हो सकता है नीति को भी ना पता हो, पर ये नहीं है। आजकल ये आदमी, इस मोटे आदमी घर में आता जाता रहता है। इस घर में? जी सर। ठीक है। संजय हुलिया बदल कर अपने बहुत प्यार करता था मैं उससे, उसने मेरा कचरा कर दिया, जलील कर दिया मुझे। नीति और उसके भाइयों की बात याद आती थी ना, दिमाग सुन्न हो जाता था। चक्कर देखा है तूने? अपनी चक्कर देखा है? तू लगता है कुआं सुअर लाने मोटे काले। अबे कल को तो मर जाएगा, अबे कल को तो मर जाएगा, अबे कल को तो मर जाएगा। जो तुझसे शादी करेगी ना लड़की, जो तुझसे शादी करेगी ना लड़की, बर्बाद है, खत्म है, बर्बाद है, खत्म है, बर्बाद है, खत्म है। फिर मेरा दिमाग घूम गया, पूरा यूटर्न ले लिया मैंने, एरिया छोड़ दिया। बस दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि नीति को दुखाना है, दुखाना है उसको, पूरी बारात निकाल दे दी साहब। मोटा बोला था ना मेरे को, मैं बोला दिखाता हूँ क्या चीज है मैं। बहुत मेहनत करनी पड़ी साहब, बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं बदल दिया अपने आप को, पूरा बदल दिया, उतार दी सारी चर्बी, उतार दी, पूरा 2 साल तक जिम किया, पूरी चर्बी उतार दी। इतना बदल गया कि खुद को ही नहीं पहचान पाया मैं। 3 महीने पहले मैंने बदला लेने की प्लानिंग शुरू कर दी। मुझे तो लग रहा था कि नीति मुझे पहचान जाएगी, पर वो मुझे नहीं पहचान पाई। मेरी मेहनत का फल था मेरी बॉडी, अब मैं मोटा गिना नहीं था साहब। बदला लिया, मेरे प्यार का इंसल्ट का बदला लिया साहब। चल चल चल, मार दिया मैंने उसको, मार दिया।